मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बड़ी बैठक जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष ले रहे बैठक। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद। सरकार और संगठन के कामकाज पर हो रही चर्चा। खैरागढ़ में मिली हार के बाद बीजेपी नेता दिल्ली तलब। ब्रह्मन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय को दिल्ली किया गया तलब। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं के साथ मिशन 2023 को लेकर होगा मंथन। नव निर्वाचित खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में ली शपथ। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने दिलाई शपथ। सीएम भूपेश समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे दुर्ग। रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का करेंगे उद्घाटन। दुर्ग कला मंदिर भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल बीआरटीएस के कॉन्सेप्ट को बताया गलत। आज से आम आदमी के लिए खुलेगा बीआरटीएस। रोज शाम को बीआरटीएस का इस्तेमाल कर सकेंगे आम लोग। आदिवासियों को सरकार की बड़ी सौगात। 2022 के लिए सरकार ने बढ़ाई तेंदुपत्ता संग्रहण की दर। 3000 रुपए प्रति मानक बोरा दर तय। मुख्यमंत्री की घोषणा पर वन विभाग ने जारी किया आदेश। कांकेर में बीएसएफ जवान ने की खुदकुशी। बैरक में सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। बीएसएफ 30 बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था जवान। कल घोषित होगा एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल दोपहर 1 बजे घोषित करेगा रिजल्ट। और एमपी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बढ़ने लगा पारा। कई जिलों में चली लू। रायगढ़ में 45 तो राजगढ़ में तापमान 44 डिग्री के पार। भोपाल और रायपुर में भी पारा 42 डिग्री के आसपास।